ये हम सब भारतीयों की पहचान है, क्योंकि भारतीय संविधान से पहले आपने देखा कि यहाँ पे गलत चीज है। पहले मैं संविधान का मतलब बताना चाहूंगा कि संविधान को अगर हम उसे टुकड़ों में बांटे तो संविधान मतलब एक ऐसा विधान जो सभी के लिए बराबर है। और ये विधान तब तैयार हुआ जब बाबा साहब और उसके अन्य पूरी टीम को मौका मिला, तब संविधान का निर्माण हुआ जब आपके सामने प्रस्तुत हुआ है। इससे पहले आप देखते थे कि हमारे यहाँ पर एक मनु का विधान था और अलग विधान था जिसके अंदर सबके लिए अलग अलग कानून थे, दंड का विधान अलग था, अलग चीजें थी। एक ऐसा वर्ग जो विशेषाधिकार अपने आप को प्राप्त था वो बड़ी से बड़ी गलती करता था लेकिन उसकी गलती को माफ कर दिया जाता था, लेकिन एक तथाकथित निम्न वर्ग की अगर छोटी गलती भी उनकी बड़ी बड़ी गलती होती है। लेकिन ये भारतीय संविधान बनने के पश्चात सभी को बराबरी के मौके मिले, चाहे जिसने बड़ी गलती करिए उसको सजा भी उसे अनुसार मिली। और जो संविधान को हम कहेंगे, संविधान होता है किसी भी जो व्यवस्था का एक राजनीतिक ढांचा जिससे साचा ढांचा निर्धारित किया जाता है। जो भारतीय संविधान के तहत जिसमें तीन महत्वपूर्ण चीज है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, जो इसके द्वारा जो भारतीय संविधान इनके द्वारा चलता है। और दूसरा बताने चाहेंगे तो जो संविधान है, संविधान की शुरुआत कहाँ से हुई, संविधान की जो पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहले संविधान की शुरुआत माना जाता है जो इंग्लैंड के, और जो संविधान लिखित अलिखित दोनों तरीके से है। जो दुनिया का जो पहला संविधान जिसके बारे में कहा जाता है वह है इंग्लैंड, जो आया था 1215 मैग्ना कार्टा से, जिसे अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है, अधिकारों की मांग, इसे विश्व का पहला संविधान कहा जाता है। लेकिन यह लिखित नहीं था, लिखित जो संविधान है दुनिया में वो है अमेरिका का संविधान जो 1787 में लिखा गया। उसके बाद एशिया का पहला जो संविधान है वह जापान का, वह संविधान लिखा गया था 1860 में। और जो भारतीय संविधान है यह आप सबको बताया कि ये पूर्ण रूप से लागू तो 26 जनवरी को, लेकिन इसको वास्तव रूप में 26 नवंबर 1949 को ये आपके सामने आया था। जो भारतीय संविधान को बनने में बाबा साहब के अनुसार, वैसे इसमें दो चीज आती है, कई बार अभी मैंने इसमें लिखा भी है कि दो बाबा साहब 25 नवंबर 1949 को लिखते हैं अपने उसमें कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट के अंदर कि भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 17 दिन, ये 25 नवंबर तक का डाटा है। लेकिन जो भारत सरकार इसको ऐड करती है वो 26 नवंबर को भी ऐड करती है, उस दिन सिर्फ संविधान सौंपा गया था, लेकिन जो पूरा काम हुआ 25 नवंबर तक है। बाबा साहब के अनुसार हम कहेंगे 2 साल 11 महीने 17 दिन, लेकिन जो आधिकारिक तौर से बोला जाता है 2 साल 11 महीने 18 दिन ये। और जो इसके अंदर जो कुल व्यय खर्च हुए थे 63,96,000 रुपए इसके ऊपर खर्च हुए थे, और इसमें इसमें जो काम करने वाले थे 284 बाबा साहब समेत 284 सदस्य थे जिन्होंने मिलकर संविधान का निर्माण किया। अब हम इसके संविधान की एक इतिहास में जाते हैं, इसकी यात्रा पे कि संविधान की शुरुआत कहाँ से हुई। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा अंग्रेजी शासन भारत के अंदर जब अंग्रेज आए थे 1916 के अंदर, तब 1916 में जो महारानी एलिजाबेथ से जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, एक चार्टर के तहत आई थी, और 15 वर्ष की अवधि के लिए भारत में आई थी व्यापार करने के लिए। लेकिन यहाँ पर वो शासन की ओर भी आगे बढ़ी। जो पहला संविधानिक बात आती है याद है कंपनी रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में था, ये संविधान बनने की शुरुआत के पहला और कदम था जिसको माना जाता है। उसके बाद आता है 1833 का चार्टर एक्ट, ये भारत में सभी शासनाधीन सभी क्षेत्रों में संपूर्ण सिविल तथा सैनिक शासन तथा राजस्व की निगरानी निर्देशन और नियंत्रण स्वतंत्र रूप से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को सौंप देगा। इसके बाद आता है 1853 चार्टर एक्ट, 1858 का उत्तम शासन प्रशासन एक्ट। आपको बताना चाहूंगा 1858 का जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसके बाद से पूरी तरह से जो भारत का शासन क्राउन जो इंग्लैंड की महारानी उसके हाथ में आ गया था, उसके बाद जो शासन का आया था क्राउन एक्ट कहा जाता है जो 1858। उसके बाद 1909 में भारतीय शासन अधिनियम जिसे पार्लियामेंट अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, 1919 भारतीय शासन अधिनियम मॉन्टेसरी ट्रांसपोर्ट सुधार, उसके बाद जो भारतीय संविधान की बहुत जो रीड कहा जाता है 1935 का भारतीय शासन अधिनियम 1935 इसे भारतीय संविधान की रीड कहा जाता है जो आपने सुना भी होगा। और इसके अंदर 301 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूची थी, और इसके अंदर उसको 3 सूचियों में बांटा गया था, संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। इसके द्वारा द्वैत शासन लाया गया, राज्य सरकार और केंद्र शासन ये दो प्रकार के शासन लाया गया जो आज वर्तमान में भी लागू है। थर्ड बेस आप देखते हैं कि थर्ड स्वाधीनता जब देश आजाद हो रहा था तब संविधान लिखने की बात हुई, तो उस टाइम इसके 3 दौर थे। पहला था क्रिप्स मिशन, 1942 में आया लेकिन ये पूरी तरह से जब यहाँ पर बात आई सफल नहीं हो पाया। तो उसके बाद वेवेल योजना आई 1942 में, जो वायसराय लॉर्ड वेवेल आए थे उन्होंने भी संविधान के ऊपर बात रखी लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आया,
कैबिनेट मिशन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर तीन जो व्यक्ति थे जो उसके संसद में थे, पहले हैं पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, ए बी अलेक्जेंडर सदस्य, और स्टेफन क्रिप्स जो कि क्रिप्स के संसद के तहत थे, ये तीनों आए और इन्होंने 19 फरवरी 1946 को लंदन में एक मीटिंग हुई जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे एटली के द्वारा, उस समय तय हुआ कि भारत के अंदर एक भारत का संविधान बनाया जाएगा। फिर उसने रिपोर्ट दी 16 मई 1946 को रिपोर्ट दी। उसके बाद यहाँ पर संविधान सभा के इलेक्शन की शुरुआत हुई और उसमें से करीब जो सदस्य संख्या 385 निर्धारित की गई थी, जिसमें से 292 जो ब्रिटिश भारतीय गवर्नर के अधीन और 11 प्रांत और 93 प्रतिनिधि और 4 चीफ कमिश्नर से चुने गए और इसमें 15 महिलाएं थी। 4 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्र अधिनियम पारित हुआ और उसका परिणाम था भारत का विभाजन तथा भारत के रूप में भारत तथा पाकिस्तान के रूप में दो डोमिनियन सामने आए, जिनको पाकिस्तान को 14 अगस्त और भारत को 15 अगस्त को आज़ादी दी गई। और आज़ादी मिलने के बाद जब पाकिस्तान अलग चला गया तो उसके 90 सदस्य पाकिस्तान में चले गए और उसके बाद फिर 299 के सदस्य रह गए जिन्हें संविधान के निर्माण किया। और उसके अंदर जो 22 समितियाँ थी, लेकिन इसमें 7 समितियों के नाम बता, इसमें 7 महत्वपूर्ण समितियाँ थी, उसमें एक महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति जिसे इस भारतीय संविधान की रीढ़ कहा जाता है, उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लगातार डॉक्टर अम्बेडकर ने लगातार 141 दिन इस प्रारूप समिति पर काम किया और 7,635 संशोधन उन्होंने पूरी दुनिया के उठाए और पढ़े, उसमें से 5,162 को एक तरफ करके 2,473 संशोधनों को पार्लियामेंट के अंदर लेके आए। और उसके बाद तीन डिबेट अलग अलग तरह हुई। पहली डिबेट हुई थी प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1947 तक, और उसके बाद आता है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 संविधान बनने तक। ये तीन डिबेट जो बाबा साहब के प्रारूप बनने के बाद सामने आए थे। अब जैसे मैंने आपको बताया जब प्रश्न कर चुके, अब ये बात आती है कि हम बाबा साहब को भारतीय संविधान का जनक क्यों माने, इसमें कई राय है। आप देखेंगे कि 26 नवंबर को भारतीय संविधान जो राजेंद्र प्रसाद को सौंपा बाबा साहब के द्वारा किया, और दूसरी एक बात कि 5 नवंबर 1948 को एक सदस्य पीपी कृष्णचारी का एक बयान था जो संविधान सभा में दिया गया था, उन्होंने कहा था सदन को शायद मालूम हुआ होगा कि संविधान प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिसमें एक ने इस्तीफा दे दिया, एक सदस्य की मृत्यु हो गई, जबकि एक सदस्य अमेरिका चले गए, छोटे सदस्य को सरकारी कामकाज में व्यस्त रहे, परिणाम स्वरूप ये सदस्य अगर भी नहीं बराबर थे तो एक सदस्य स्वास्थ्य बिगड़ने में शामिल नहीं हो सके, अतः संविधान बनाने का बोझ केवल अकेले डॉक्टर अम्बेडकर को ही आपड़ा। सभी परिस्थितियों में भी उन्होंने संविधान का प्रारूप किया, इसके लिए सदैव आदर के पात्र हैं। मैं निश्चय ही आपको बताना चाहता हूँ कि अम्बेडकर ने इस प्रकार की अनेक कठिनाइयों के बाद भी संविधान का मसौदा तैयार किया, इसके लिए हम लोग सदैव उनके ऋणी रहेंगे। ये 5 नवंबर 1948 में संविधान सभा में कृष्णचारी ने अपनी बात रखी। जब देश का संविधान बना तो उस समय 395 अनुच्छेद 8 सूचियां 22 भाग थे और वर्तमान में आज ये 448 अनुच्छेद 12 सूचियां 25 भाग हो चुके हैं इसके और अभी इसका 123 इसके संविधान संशोधन हो चुके हैं। लेकिन वर्तमान में जो भी हाल ही में GST इसका अंतिम है जिसको संशोधन पेश 101 पेश किया गया है। वास्तव में हम जो पूरी दुनिया के संविधान में कहीं ना फेरबदल हो गया है और लेकिन भारत का ज्यादा उसकी संविधानिक कार्यपालिका आज भी ऐसी चल रही है और ये उसी तरह व्यापक है। तो भारत का संविधान एक व्यापक दस्तावेज है, तो बहुत अच्छा दस्तावेज है और आपने ये देखा होगा कि यह अपने आप में बहुत ऐसा दस्तावेज जिसको हमारे बगल में पड़ोसी देश है वहाँ पर लोकतंत्र समाप्त हो गया है और कई देश कई अलग अलग जगह लोकतंत्र समाप्त हो गया, लेकिन भारत के जो राजनीतिक संविधान के तहत ये आज भी कारगर है। मैं आपकी बात यही खत्म करना चाहूँगा और कई बातें जैसे बताया कि मैं एक मिनट और बाबा साहब ने जो पूरे 141 दिन की मेहनत के द्वारा जो 7,500
संशोधनों से ढाई हजार संशोधनों से लेके आए और जो बैंकों ने काम किया और भी ऐसे कई काम है जिसके द्वारा उनको भारतीय संविधान का ग्रंथ आ जाता है। तो मुझे लगता है कि पूरे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अंदर सभी प्रसाद समेत सभी ने उनको अच्छे धन्यवाद दिया था और इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा और आपने मुझे बुलाया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।